नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बीपीएससी 67वीं को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आज सामने आई है। आपको बताएं कि राज्य के सर्वोच्च आयोग की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि अब बीपीएससी 67वीं के जो 365 पद पे नियुक्ति होनी थी अब उसे बढ़ाकर 503 कर दिया गया है। आपको बता दें कि 65वीं का इंटरव्यू हो चुका है, उसके रिजल्ट का इंतज़ार छात्र कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम 66वीं की बात कर लें तो 66वीं के भी मेंस परीक्षा पिछले ही माह हो चुकी है, उसके भी रिजल्ट का इंतजार छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि 67वीं की जो परीक्षा होने वाली है, यानी कहा यह जा रहा है कि 12 दिसंबर को उसकी पीटी के एग्जाम होने हैं, लेकिन इसे लेकर के अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएंगी और कहा यह जा रहा है कि बुधवार तक इसके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। लेकिन अगर बुधवार तक इसके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो शनिवार या फिर सोमवार तक इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आइए हम आपको इस खबर से और हमारे पास क्या जानकारी है वो सब हम विस्तार से बताते हैं। 67वीं बीपीएससी के लिए रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़कर अब 503 हो गई है। आयोग की नई रिक्तियां प्राप्त होने के बाद अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एसडीएम के 88 पद हो गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग ने 133 ग्रामीण विकास पदाधिकारी आरडीओ की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि प्राप्त रिक्तियों में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पद भी शामिल हैं। साथ साथ आपको बताएं कि एक सप्ताह के अंदर 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन निकल जाएगा। सूत्रों की माने तो अभी इसमें समय लग सकता है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ट्रेंड को देखें तो इस बार भी 4 से 5 लाख तक आवेदन की संभावना है। इनमें से लगभग 3 लाख अभ्यर्थी पीटी में शामिल होंगे। तो आपको बताएं कि अब बीपीएससी आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि बुधवार तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अगर बुधवार को नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शनिवार या सोमवार तक इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और इस बार कहा यह भी जा रहा है कि 3 लाख अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में शामिल होंगे। तो इस बार कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है, इसलिए जो भी छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारियों में जुट जाएँ, क्योंकि आयोग की तरफ से सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि 12 दिसंबर को पीटी के एग्जाम होने हैं और इसे लेकर के जल्द ही आयोग की तरफ से अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसलिए छात्र अपनी तैयारियों में जुट जाएं क्योंकि कंपटीशन एक बार फिर से टफ होने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।